अनंत स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग हमारे दूसरे दिन पे हैं, डे टू पे हैं, जहाँ पे हम लोग 21 दिन का मेकअप चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी मेकअप नहीं जानता या जो भी मेकअप जानता है वो प्रोफेशनल लेवल का मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है। ऐसे वाला चैलेंज हमने स्टार्ट किया था। तो पहले दिन में हमने बहुत कुछ इसके बारे में चर्चा की है। इसका एक और सीरीज चल रहा है, इसका एक और क्लासेस चल रही है जो इंग्लिश में भी हैं। जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने इसको हिंदी में भी स्टार्ट किया। ठीक है, अगर आप ऐसे हो कि मतलब आपको इंग्लिश अच्छे समझ आती है, अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो आप मेरी वो वाली भी वीडियो चेक कर सकते हो। मैं उसकी भी प्लेलिस्ट इनका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगी। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मेरा नाम फातिमा सुबिया है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूं और मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट कोच भी हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन हम लोग, जिसपे हम लोग बात करेंगे कि एक ग्लास स्किन होती है, एक ग्लास स्किन के जैसा एक मेकअप होता है जो फ्लॉलेस होता है, जो दिखने में और टच करने में फील करने में बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा ऐसा मेकअप। ठीक है, अभी आप लोग सोचते होंगे कि मतलब ऐसे वाला मेकअप तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं जब भी मेकअप करती हूँ मेरा मेकअप क्यों खराब हो जाता है, क्यों ऐसे नहीं दिख पाता, क्यों ऐसा ग्लास स्किन वाला लुक नहीं आ पाता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ऐसे दो चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका स्किन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका स्किन में जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो आएगा, जिसमें आपका मेकअप बेस बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं आपको आज आप लोगों को मैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा बहुत बीच में वो हो रहा है, एक बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेन क्या है, दो चीज़ें, दो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको हम लोग बहुत बिल्कुल अवॉइड करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें फेशियल हेयर्स होते हैं फेस पे, हर एक को होते हैं फेशियल हेयर्स, किसी को बड़े होते हैं, किसी को छोटे होते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा एकदम ग्लास स्किन जैसे मेकअप आए, लेकिन हम वो हेयर्स निकालते नहीं हैं। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी देर बाद हमारा जो फाउंडेशन हमने लगाया था वो हेयर्स थोड़ा इधर से उधर हिल डुलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेकअप में कुछ ना कुछ वो आ जाता है। एक एक बार तो मतलब मेकअप, अगर आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं तो आपका मेकअप अच्छे से स्टे भी हो जाता है फेशियल हेयर रहने से। अगर बहुत ज़्यादा लेवल तक के फेशियल हेयर्स हैं, बहुत बड़े हैं, तो मुश्किल बहुत आ सकती है मेकअप में। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप इजी तरीके से घर पे ही बैठे हुए कैसे फेशियल हेयर्स निकाल सकते हो। बहुत ईजी वे है, बहुत ज़्यादा सेफ वे है, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होंगे। क्या क्वेश्चंस हैं कि मतलब अगर मैं फेशियल हेयर्स घर पे निकालूंगी रेजर की हेल्प से मैं निकालना सिखाऊंगी आज आप लोगों को। अगर निकालूंगी तो क्या मेरे फेस पे पिंपल्स आएंगे, क्या मेरी हेयर ग्रोथ, जो हेयर वापस से जो ग्रो होंगे, क्या वो मोटे होंगे, क्या उसका थिकर ग्रोथ होगा, ये सारे सवाल बहुत सारे आपके माइंड में होंगे, जो मेरे माइंड में भी थे बहुत पहले। ठीक है, तो इन सब सवालों का उत्तर मैं आपको अभी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, उस एक्सपीरियंस के मैं हिसाब से आपको उसका उत्तर दे रही हूँ कि आपकी हेयर्स की ग्रोथ बिल्कुल थिक नहीं होगी, बिल्कुल भी थिक नहीं। हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी हेयर्स की ग्रोथ बिल्कुल थिक नहीं होगी और ना ही आपको क्या होगा, फेस पे पिंपल्स आएंगे अगर आप सही तरीके से रेजर यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी आपकी ग्रोथ थिक क्यों नहीं होगी कि अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो फेस पे, तो आप क्या करते हो कि मतलब वैक्स का क्रीम लगा के उसको शीट को रख के ऐसे निकालते हो, एकदम से जोर से खींचते हो, जिसकी वजह से रूट्स के अंदर से हेयर्स निकल जाते हैं। लेकिन ये रेजर एक ऐसी चीज है जिसको आप फेस के ऊपर के हेयर्स निकालते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हेयर्स है ना, इससे रूट से बाहर नहीं आते। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके हेयर जो है, जो ग्रोथ होती है, जो आपकी पहले वाली ग्रोथ होती है उतनी होती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आता है। और आप क्या करते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फेस पे वैक्स बिल्कुल मत करना, अगर आप बॉडी पे करवा रहे हो ठीक है, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आपकी फेस की स्किन जो है लूज होती जाएगी वैक्स बार बार करवा के, क्योंकि वो स्किन को बहुत ज़्यादा हैवीली पुल करता है वो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ना करें, रेजर यूज़ कर लें, तो बहुत इजी वे है रेजर यूज करने का। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका वे क्या है, फिर आपको रेजर यूज करने के बाद क्या करना है, आपको स्टीम देनी है थोड़ा फेस पे, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम दे सकते हो, वरना आप कोई भी नॉर्मल सा वार्म क्लॉथ लेके थोड़ा आप डैप करके क्या कर सकते हो, आप ये वाला जो है आप ये यूज कर सकते हो, वेगा का ये जो है ब्लैक हेड रिमूवर है, इस ब्लैक हेड रिमूवर को आप यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड सब निकाल देगा।
ठीक है, मैं इसका इंग्लिश में मैंने जो इसका ये बनाया हुआ है क्लास, आप एक बार उसमें देख सकते हो कि मैंने इसमें इस ये यूज़ करके मैंने दिखाया कि कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, जो भी आपके वाइट हेड्स होते हैं इधर पे, उसको आप इसकी हेल्प से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी हेल्प से आराम से निकाल सकते हो। अगर आप ये यूज़ करना नहीं चाहते, बहुत सेफ है ये भी, अगर आप ये यूज़ करना बिल्कुल नहीं चाहते, तो आप जो चारकोल मास्क मिलता है, वो जो आपका जो एरियाज हैं ब्लैक हेड के वाइट हेड के, सिर्फ यहाँ यहाँ पर आप लगा के उसको निकाल के उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगी कि आप लोगों को करना क्या है, कि कैसे रिमूव करना है, क्या करना है, सब आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट आपको देती रहूंगी और हम लाइव मिलकर आपके जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, तब तक हम अपना ट्यूटोरियल के इसको किस तरीके से करते हैं उसका हम लोग ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके लेडीज, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब इसका तरीका क्या होता है हेयर रिमूव करने का। ये बहुत मेन बेसिक स्टेप है, अगर आप ये बेसिक स्टेप बिल्कुल नहीं सीखोगे तब आपके मेकअप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मतलब होंगी, क्योंकि देखो आपके फेस पे हेयर्स होते हैं। अगर आप मेकअप कर रहे हो उसका भी आपको वो डैप करने का टेक्निक अलग होता है। आप देखते हो यूट्यूब पे, आप देखते हो कहीं भी कोई भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रही है, आपको लगता है उसका स्किन का एकदम ग्लास स्किन हो रही है और बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हुआ लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत फ्लॉलेस है। वो आपके फेस पे क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हेयर्स होते हैं, आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो हेयर्स मूव करते हैं तो फाउंडेशन को इधर से उधर वो डिस्टर्ब करते हैं फाउंडेशन को, तो उसकी ब्लेंडिंग टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर हेयर्स हैं फेशियल हेयर्स तो। लेकिन जहाँ तक क्लाइंट्स का सवाल आता है हेयर्स का, हम लोग उनको बताते हैं कि मतलब हम लोग 100% गारंटी नहीं दे सकते फ्लॉलेस बेस की जब तक के हेयर्स ज़्यादा हैं उनके फेस पे। ठीक है, रिमूव करने के लिए हेयर्स को क्या करना होगा, ये निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ मैं। आप कोई भी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ भी जो क्रीम फॉर्म में हो, जो क्रीम फॉर्म में हो वो वाला लेना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम मैंने ये फेस पे रेजर किया और फिर पिंपल्स आ गए, ये इसलिए किया क्योंकि शायद आपकी टेक्निक गलत थी इसलिए। लेकिन ये मैं रेजर बहुत सालों से कर रही हूँ, ना ही इसमें थिकर ग्रोथ होती है, ना ही बाल इसमें बड़े होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ रेजर करना है सिर्फ उसी पार्ट पे लगाओ। अगर आपने पूरे फेस पे लगा दिया फिर आप निकालने लगे हो तो यहाँ तक पहुँचने तक क्या होगा, यहाँ इस साइड का मॉइस्चराइजर ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर आपको ठीक से निकालने के लिए नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जिस एरिया में निकालना है वहाँ आपको लगाना पड़ेगा। देखो गैस, अभी मेरा फेस पे निकाले हुए बहुत दिन हो गए हैं, अभी दो दो महीने भी हो जाते हैं कभी कभी, तभी भी मेरी हेयर की ग्रोथ बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती। आपको स्किन को स्ट्रेच करना है, बहुत हल्के हैंड से आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लेके जाना है रेजर को, ऐसे रहेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा रेजर और बहुत ज्यादा हल्के हैंड से आपको बाल निकालने। अगर आपने ज्यादा प्रेशर दिया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। आपको अभी इसमें दिख नहीं रहा है, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें देखो कितने बाल निकले हैं, जो छोटे बाल हैं। अभी करने के बाद अपनी स्किन फील करोगे कितनी अच्छी हो रही है, इसके ऊपर मेकअप बहुत ज़्यादा टिकेगा, बहुत ज़्यादा इसके वो होंगे। ठीक है, अभी मैं पूरे फेस पे करती हूँ। इस पे भी यही प्रोसीजर रहेगा कि मैं इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकालूँ। अभी मैं आईब्रोज को भी इसी से करती हूँ। अगर आप लोग बिगनर हो तो प्लीज़ आईब्रोज को इससे मत करना क्योंकि आपको फिर से बहुत ज़्यादा अनसेफ है ये। तो मैं आईब्रोज को करने के टाइम पे भी यहाँ भी लगाती हूँ मॉइस्चराइजर। बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स ये बताएंगे कि आपको सूखे फेस पे आप रेजर कर लो, मत करना, ये वाली गलती मत करना। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के मैं ऐसे निकालती हूँ। ठीक है, और इधर भी मुझे जहां जहां तक लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स निकालती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि आईब्रो शेप करवाना, ऐसे कुछ भी आदत नहीं है। तो इतना थोड़े थोड़े से हेयर्स निकालती हूँ मैं बस, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है यही मुझे। ठीक है, यहाँ का भी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो मैंने इधर भी ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मैंने सारे हेयर्स निकाल लिए हैं और फिर इधर का डायरेक्शन आपको ऐसे लेना है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब भी कर रहे हो आपको स्किन को ऐसे स्ट्रेच करके करना है।
अगर आपने स्किन स्ट्रेच नहीं किया तो आपको वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ ऊपर से स्किन को स्ट्रेच कर लो या फिर नीचे से, और जब यहाँ करते हो तो फिर ऊपर से या फिर नीचे से स्ट्रेच करके आपको ऐसे करके पूरे हेयर्स निकालना है। अभी देखो मैंने हेयर्स निकाल दिए हैं, इतना सॉफ्ट फील हो रहा है मेरा स्किन। जो लोग दिखते हैं कि थोड़ा बहुत डस्की हैं जिनके फेस पे हेयर्स हैं, वो निकालने के बाद देखेंगे कि अमेजिंग ग्लो आ जाएगा एक फेस पे, ठीक है। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरे फेस पे पिंपल्स है, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, क्योंकि एक ब्लेड है, इससे आपको निकालने से क्या होगा कि आपके पिंपल्स का वो जो भी पस होगा वो फैलेगा और पिंपल्स ज़्यादा क्रिएट होंगे। इसलिए आप पहले अपना पिंपल्स का ट्रीटमेंट करवाना, फिर अगर आप चाहो तो ये वाला करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्यूटोरियल के साथ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज के साथ फिर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, आप जुड़े रहिए ताकि मेरी चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।